हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ जीवाणुओं में गुणसूत्र में अतिरिक्त अनुवांशिकीय पदार्थ मिलता है जिसे प्लाज्मिड्स कहा जाता है। तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि अनुवांशिकीय पदार्थ गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड्स कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये मुख्य गुणसूत्र से अलग रह सकते हैं, अर्थात प्लाज्मिड्स मुख्य गुणसूत्र यानी डीएनए से अलग रह सकता है। यह जीवाणु से अलग होकर जीवाणु की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकता है तथा इसका द्विगुणन स्वतंत्र रूप से होता है। कुल डीएनए का 2% तक का भाग प्लाज्मिड हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं मुख्य गुणसूत्र से अलग रह सकते हैं, और यदि जीवाणु से अलग हो जाएं मतलब उससे अलग होकर भी कार्य कर सकते हैं। बता दें कि कुल डीएनए का लगभग 2% भाग प्लाज्मिड होता है, और यदि प्लाज्मिड के प्रकार को देखा जाए अर्थात प्लाज्मिड के भाग को देखा जाए तो प्लाज्मिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कॉल फैक्टर। तो 3 प्रकार के हो गए, तो इनको एक एक करके समझा देते हैं, जिसमें से पहला है एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर क्या होता है? एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, इसीलिए इसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। ये लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर मिलता है उन्हें एफ प्लस या दाता, तथा जिनमें नहीं मिलता है उन्हें एफ माइनस या ग्राही कहते हैं। एफ प्लस वाले जीवाणु पिल्ली बनाते हैं। तो चलिए एक बार और आपको एफ फैक्टर को अच्छे से समझा देते हैं। तो एफ फैक्टर अर्थात एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, इसीलिए इसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। एफ से फर्टिलिटी होता है, तो हो गया फर्टिलिटी फैक्टर। ये जो एफ फैक्टर वाले प्लाज्मिड्स होते हैं ये लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। लैंगिक जनन का मतलब होता है जब जनन में युग्मक भाग लेते हैं तो उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मित होते हैं तो उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ये लैंगिक जनन में हेल्प करते हैं। जो एफ फैक्टर वाले होते हैं ये लैंगिक जनन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अब ऐसे जीवाणु जिनमें एफ फैक्टर पाया जाता है, जिनमें एफ फैक्टर मिलता है, यानी जो एफ फैक्टर वाले होते हैं उन्हें एफ प्लस या दाता जीवाणु कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? एफ प्लस जीवाणु कहा जाता है, तथा जिनमें एफ फैक्टर नहीं होता है उन्हें एफ माइनस या ग्राही जीवाणु कहा जाता है। एफ माइनस होगा तो ग्राही जीवाणु, एफ प्लस होगा तो दाता जीवाणु होगा। एफ प्लस वाले जीवाणु पीली बनाते हैं, तो एफ प्लस वाले जो जीवाणु होते हैं वो पीली बनाते हैं, पीली का निर्माण करते हैं। तो अब आते हैं आर फैक्टर पर। आर फैक्टर क्या है? आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो आर फॉर रेजिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम हो गया आर फैक्टर। इसे प्रतिरोधी फैक्टर भी कहा जाता है, प्रतिरोधी फैक्टर के नाम से भी इसे जानते हैं, अथवा रेजिस्टेंस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये जीवाणु को नष्ट होने से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जीवाणुओं को नष्ट होने से बचने के लिए क्या करते हैं? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिरोधी फैक्टर भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह प्रतिरोधी क्षमता किसी औषधि विशेष के प्रति होती है, यानी ये जो प्रतिरोधी क्षमता होती है ये किसी औषधि विशेष के लिए होती है। इस प्रकार से ये आर फैक्टर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पर, कॉल फैक्टर पर। कॉल फैक्टर में कॉल का मतलब होता है कॉलिसिनोजेनिक, कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, इसे हो गया कॉल। तो इसे कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर भी कहा जाता है। ये उन जीवाणुओं में सामान्यतः मिलते हैं जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये उन जीवाणुओं में पाए जाते हैं, या कॉल फैक्टर उन जीवाणुओं में पाए जाते हैं जिनमें एंटीबायोटिक बनाने की क्षमता होती है। ये जीवाणुओं को कॉलिसिन बनाने में सहायक होते हैं। जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को कॉलिसिन बनाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के प्लाज्मिड्स 3 प्रकार के थे, एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कॉल फैक्टर। तीनों को मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। अब एपिसोम क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। मुख्य गुणसूत्र का भाग बनकर प्लाज्मिड्स ही एपिसोम कहलाते हैं, यानी जो प्लाज्मिड्स होते हैं जब मुख्य गुणसूत्र का भाग बन जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। तो इस प्रकार से
आज के वीडियो में मैंने प्लाज्मिड्स के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।